वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाई बुक का चैप्टर रीच फॉर टॉप एंड आज हमें पढ़ना है पार्ट बी जिसमें हम पढ़ेंगे मारिया शार्पोवा की लाइफ सक्सेस स्टोरी के बारे में ओके हु इज मारिया मारियापोवा मारिया शेरपोवा इज वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर एंड बेसिकली वो कौन है शी इज अ रशियन गर्ल ओके शी इज रशियन वो साइबीरिया में बॉर्न हुई थी बट वेन शी वॉज ऑलमोस्ट नाइन ईयर्स ना तो वो यूएस चली जाती हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए ठीक है और अपने फादर के साथ जाती हैं वहां पे उनके फादर जॉब करते हैं जिससे वो उनके टेनिस ट्रेनिंग के लिए पैसे जोड़ सके एंड वाइल्ड इन यूएसए जब वो अपनी ट्रेनिंग ले रही थी यूएसए में किसके लिए टेनिस के लिए उनकी मदर से उन्हें दो साल के लिए सेपरेटेड भी रहना पड़ा यानी कि मदर कहाँ थी रशिया में साइबेरिया में एंड फादर एंड डॉटर कहाँ थे यूएसए में थे तो काफ़ी इमोशनल एंड बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है इनकी तो लेटेस्ट स्टडी एंड लेटे सी दैट किस तरीके से मारिया शरीफ ने उनकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आए उसको ओवरकम करा किसी भी चीज़ को डिप्रेस नहीं करने दिया ख़ुद को एंड शी रीच टू द टॉप ओके दो प्राइजेज उन्होंने जीते शी इज़ वन ऑफ द इन टू शी वॉज द टॉप मोस्ट प्लेयर ओके ऑफ टेनिस एंड 2004 में उन्होंने विंबलडन ट्रॉफी भी जीती थी तो डिस्कस करते हैं फुल चैप्टर को ऑफ मारिया शेरपोवा ओके okay, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है हमें लाइंस गिवन है। समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया शेरपोवा समथिंग एंड ऑच विद हर वेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ है हमारे शरुपुरह में जो आप बहुत लाइक करोगे बट वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है उनके शाइनिंग अटायर से और उनकी जो स्माइल है यानी कि अगर आप उन्हें देखोगे तो वाह होशीसो शाइनिंग अटायर है उनका और उनकी इतनी सुंदर सी स्माइल है बट उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है yes. येस जब भी हम किसी सक्सेसफुल uh, स्टार्स uh, को देख दे हैं, तो we just stardum, देखते हैं तो विद सी देर स्टारडम ठीक है हम उनका स्टारडम देखते हैं किसी भी सक्सेसफुल लोग को देखते हैं वाह आज इतनी ऊंचाइयों पे खड़े हैं दे आर हैविंग सो मेनी स्टार्ट बट यू नो हर एक की लाइफ के पीछे में एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्या होता है एक हार्डवर्क का स्टेज होता है तो उसी में यहाँ पे रेफर करा जा रहा है कि देयर इज समथिंग लाइकेबल अबाउट हर कि वैसे आप उनको शाइनिंग ड्रेसेस में देखोगे उनको स्माइल करते हुए देखोगे बट उनकी भी एक बैक स्टोरी है एक हार्डवर्किंग सेक्रीफाइसेस से भरी स्टोरी है देर आर मेनी आइडल्स दैट वी लव उनकी सबकी एक अलग अलग सी स्टोरीज है तभी हम उनको इतना प्यार करते हैं तो लेटेस्ट सी अबाउट मारिया दैट ये जो शाइनिंग अटायर एंड ये स्माइल का एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्माइल बिहाइंड हर शाइनिंग ड्रेस शी ऑल्सो हैज़ अ सक्सेस स्टोरी जो हार्डवर्क एंड सेक्रीफाइजेस से फिल्ड है एंड उसी सेक्रीफाइजेस ने उसी हार्डवर्क ने उन्हें लिफ्ट करा ऑन मंडे डे ट्वेंटी टू अगस्त टू थाउजेंड फाइव को टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन वुमेंस टेनिस समझ गए आप कि वो उनके जो सेक्रीफाइजेस थे उन्होंने वर्क करा एंड शी बिकेम द वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस ठीक है नंबर वन पोजीशन पे आ जाती है वो वुमेन्स टेनिस में ओके okay गाइस तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को तो हमें बताया है यहाँ पे दैट मारिया शेरोपोवा जो है ना बेसिकली फोर इयर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर ही वो बहुत ही पिनाकल पिनाकल मतलब यहाँ पे क्या है ऑन द टॉप पे पहुंच जाती हैं ऐसा लगता है उनकी जर्नी को देखिए कि हाँ काफ़ी कम समय में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया सिर्फ चार साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद वो इतनी हाइट्स पे पहुंच गई वो एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट प्लेयर बन गई बट नहीं सिर्फ चार साल में ही नहीं उनकी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट होती है इन द रैपिड कॉम्पिटेटिव वाली यू नो वर्ल्ड कितना कॉम्पिटिटिव है उनकी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है जब वो दस साल की भी नहीं हुई थी वेन शी वॉज ओनली नाइन ईयर्स ओल्ड और वो कहाँ रहती थी उस समय पे साइबेरिया में साइबेरिया कहाँ है रशिया में है साइबेरिया इट इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन बहुत ठंड होती है वहाँ पर तो उनकी जर्नी जो थी वो तभी शुरू हो गई थी वेन वॉज ओनली नाइन ईयर्स ओल्ड एंड उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें प्रोफेशनल टेनिस की ट्रेनिंग करवाएंगे ठीक है तो यहाँ गिवन है दैट अ जर्नी बिगेन नाइन ईयर्स बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू इंडोर और जो सेक्रीफाइस उन्हें एज अ चाइल्ड ऑफ नाइन ईयर करना पड़ा बहुत कम बच्चे वो कर सकते थे वाई बिकॉज लिटिल मारिया जो थी उन्होंने अभी अपना टेंथ बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते यानी कि सिर्फ वो नौ साल की थी एंड उन्हें ट्रिप पर जाना पड़ा अपने फादर के साथ कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स फ्लोरिडा में तो आप याद रखना उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी फ्लोरिडा में हुई थी फ्लोरिडा कहाँ है यू एस ए में है और वो बॉर्न कहाँ भी हुई थी साइबेरिया रशिया में तो उसके फादर जिनका नाम यूरी है उनके साथ फ्लोरिडा चली जाती है ट्रेनिंग के लिए बट गाइस उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पाती है मदर का नाम क्या है मदर का नाम है येलेना मदर नहीं जा पाती है बिकॉज ऑफ सम वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस आपको पता ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई ट्रैवल करते हैं आपको जाना है तो यू नीड वीज़ा ठीक है तो यूरी जो उनके फादर थे एंड जो ये हमारी मैरिया शरप है सिर्फ वो और उनके फादर जाते हैं उनकी मदर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस टू यू एस ए तो उन्हें दो साल अपनी मदर के बिना वहाँ पर रहना पड़ता है द लुक इट इज़ गिवन हेयर इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट ट्रेंचिंग टू ईयर्स सेपरेशन फ्रॉम मर मदर हार्ट ट्रेंचिंग मतलब कि बहुत ही दुख भरा सिर्फ नौ साल की बच्ची उन्हें अपनी मदर से भी दूर रहना पड़ा एंड इनफैक्ट जब वो यू एस ए में थी ठीक है जब वो यू एस ए में ट्रेनिंग कर रही थी तो वो अपने फादर से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती थी वाह बिकॉज उनके फादर जॉब करते थे उनकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए पैसा कमाने के लिए समझ गए कि उनके फादर पूरा दिन काम करते थे कि वो ऐसा कमा सके टेनिस ट्रेनिंग के एंड जो है ना ही वो अपने फादर से मिल पाती थी और मदर से तो वो सेपरेट हो ही गई तो ना तो उससे वो समझ थी कि अगर उन्हें टेनिस में कुछ करना है बनना है तो उसमें सेक्रीफाइसेज तो उन्हें करने ही पड़ेंगे समझ गए नाइन ईयर ओल्ड गर्ल ऑल एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट कम एट अ प्राइस यानी कि एक्सीलेंस जो है टेनिस में वो कब आएगी जब उन्होंने कोई सेक्रीफाइस करा होगा एंड सेक्रीफाइस शी हैड टू मेक उन्हें अपनी मदर से भी दूर रहना पड़ा एंड इनफैक्ट उनके फादर से भी वो बहुत कम मिल पाती थी ठीक है अब आगे कंटिन्यू करते हैं मारिया कहती है आई यूस टू बी सो लोनली सिर्फ नाइन ईयर्स की उन्हें बहुत लोनली फील होता था एंड शी मिस हर मदर और लॉड उनको अपनी मदर की बहुत याद आती थी फादर को भी ज़्यादा नहीं दे पाती थी एंड बिकॉज शी वॉज सो यंग समझ गए वो छोटी थी सिर्फ नाय साल की थी ना वो नौ साल की तो जहाँ पर वो टेनिस वाली जहाँ अकेडमी होगी तो वहाँ पर वो क्या करती थी वो जल्दी सो जाती थी वो आठ बजे सो जाती थी, थी बिकॉज शी वॉज वेरी यंग अब क्या होता था वहाँ पे कि जो बड़े बच्चे होते थे यानी कि जो उनसे एज में बड़े होते थे वो रात को ग्यारह बजे आते थे उनके रूम में और उन्हें बुली करते थे सोते सोते उन्हें उठाते थे और उन्हें कहते थे कि पूरे रूम की सफाई करो समझ के आप जैसे एक तरीके से उनके सीनियर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा बुली करते थे जब वो अकेडमी में रहती थी टेनिस सीखने के लिए तो वो शाम को आठ बजे तक सो जाती थी बिकॉज वो छोटी थी तो रात को ग्यारह बजे जब बड़े बड़े बच्चे आते थे तो वो उनको बुली करते थे कहते थे रूम की सफाई करो एंड ऑल दैट तो पेरेंट्स से भी वो दूर थी इन साथी के साथ उन्हें ये सब चीज़ें भी झेलनी पड़ती थी बट उन्होंने खुद बताया दैट ये सब चीजें दिस ह्यूमिलेशंस एंड एवरीथिंग लाइक दिस जो बुली उन्होंने सही तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को मैंने खुद को डिप्रेस नहीं करने दिया इनफैक्ट मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई एंड इवन शी अग्रीड दैट अगर उनको कुछ और भी सहना पड़ता ना तो वो वो भी सहेली थी फॉर बिकमिंग नंबर वन लोकेर इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिके मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ एंड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ तो जो बच्चों ने उन्होंने बुली करा पेरेंट्स से वो दूर हुई उन्होंने क्या कहा कि मैंने इसको मेंटली डिप्रेस नहीं करने दिया खुद को कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं इनफैक्ट मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई और मैं और ज्यादा मेंटली टफ हो गई आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग उन्होंने कहा मैंने क्विटिंग यानी कि क्विट मतलब क्या हुआ मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा कि अरे छोड़ देती हूँ टेनिस को मुझसे नहीं हो रहा नहीं आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग चाहे मुझे पेरेंट्स से दूर होना पड़ा चाहे मुझे लोगों ने बुली करा वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग टू लूज इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डेटर तो देखो कितनी अच्छी लाइन मारे शरपवाह में बताती है वेन यू हैव नथिंग टू लूज जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो यू बिकेम मोर डेटरमाइंट ठीक है जब आप नथिंग शी केम फ्रॉम साइबीरिया एंड शी हैड नथिंग टू लूज तो वो कह रही थी मेरी हंगर एंड उनकी जो अचीवमेंट के लिए क्या टेनिस प्लेयर बनने की जो उनकी एक हंगर थी वो कह रही वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी एंड शी इज सैड उन्होंने खुद अग्री करा कि मेरे को अगर और ह्यूमिलियशन भी झेलनी पड़ती तो मैं झेल लेती फॉर बिकमिंग नंबर वुड है मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन टू स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम यानि कि शी अग्रीड हर्सेल दैट अगर उन्हें अपनी पोजीशन अचीव करने के लिए क्या ड्रीम थी उनकी वर्ल्ड कप बेस्ट टेनिस प्लेयर बनना तो उन्होंने खुद अग्री करा कि अगर उसके लिए मुझे और ह्यूमिलेशन भी सहना पड़ता तो मैं सह लेती तो यू कैन सी अपनी फोकस थी अपनी गोल की तरफ उन्होंने किसी भी चीज को खुद को डिप्रेस नहीं करना दिया एंड ये चीज से हमें भी एक लेसन लेना चाहिए दैट इफ यू हैव हर्डल्स इन अर लाइफ तो हमें उसे अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए वी शुड नॉट डिप्रेस आर सेल्फ विद दैट ओके आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर को एंड दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टूडे इट वॉज हर की टू हर बैगिंग द वोमेंस सिंगल क्राउन एट विट इन 2004 थाउजेंड दैट मतलब क्या है दैट टफनेस ही टफनेस जो उन्होंने इतना ज़्यादा करेज दिखाया कि बीइंग अ नाइन ईयर ओल्ड गर्ल उन्होंने बुलिंग से जो है ख़ुद को डीमोटिवेट नहीं करा वो पेरेंट्स से दूर हुई तो उन्होंने अपने इमोशंस बीच में नहीं आने दिए शी जस्ट केप्ट गोइंग तो ये जो उनकी टफनेस थी इसने उन्हें एक दिन वर्क करके दिखाया एंड वो फाइनली जो है टू में क्या कर ली थी यहाँ बैगिंग लिखा है बैगिंग मतलब हो गया वेन शी वॉन द वुमेंस सिंगल्स क्राउन इन विम्बलडन इन 2004, 2004 में वो विम्बलडन क्राउन जीत जाती हैं टेनिस का एंड टू ह मिट्योरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट इन द फॉलोइंग ईयर फॉलोइंग ईयर मतलब 2005 थाउजेंड फाइव एंड मीट्योरिक राइज मतलब गाइज बहुत रैपिड ड्राइव ऊपर हमें बताया ना कि सिर्फ फोर ईयर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ही वो वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर बन गई तो 2004 में उन्हें विंबलडन क्राउन मिला एंड टू हम एक बहुत ही रैपिडली उन्होंने राइज करा एंड वो उसके अगले साल ही 2005 के अंदर वुमेन वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर बन जाती है तो यहाँ आपने देखा दैट हर टफनेस हर मेंटेस्टेबिलिटी एंड हर रेडनेस टू मेक सेक्रीफाइजिस वर्क एंड शी बिकेम द टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है वाइल ह जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस हैस्टर्स द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस अब आपने हमें बताया है कि जब उनके फैंस सुनते हैं ना उनकी स्टोरी को कि उन्होंने इतने सेक्रीफाइस करे हैं तो फैंस बहुत इमोशनल हो जाते हैं सुन के कि अच्छा मारिया शेरोपोवा ने इतने सारे जो है सेक्रीफाइस करे हैं बट मारिया शेरोपवा कभी भी सेंटिमेंटल नहीं होते है और जब भी उनसे कोई पूछता है उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी के बारे में उनके एम्बिशन के बारे में तो वो हमेशा पता है क्या जवाब देती है यू कैन सी ये श्रीकांत से दैक्रीफाइजेज वॉ वर्थ है वो

के लिए उनका क्या मंत्र था ओके तो लेट्स मूव ऑन टू द द लास्ट ऑफ चैप्टर नो। अब में बोलती है, you know, uh, accent, जब in, लोग इंग्लिश बोलते हैं अलग एक्सेंट होती है अगर ब्रिटेन के लोग या फिर यूके के लोग इंग्लिश बोलते हैं समझ गए तो उनकी एक्सेंट अलग होती है तो वो कह रहे हैं कि जो मारिया शर्फ हुआ है वो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है वो क्यों बोलती होगी बिकॉज यू कैन इमेजिन दैट वो नाइन ईयर्स की एज से ही अमेरिका में ब्रॉटअप हुई हैं यानी कि वो फ्लोरिडा में ही रह रही थी तो उनकी एक्सेंट वैसी ही थी यूएसए वाली बट जो उनका ब्लड था वो क्या था वो कहाँ पर बॉर्न हुई थी वो रशिया में बॉर्न हुई थी तो वो बहुत प्राउडली कहती हैं दैट मेरी सिटीजनशिप रशियन है और मैं जो है मतलब फ्राम हार्ड शीज़ रशियन ओनली ओके वो कंसिडर करती हैं दैट जो यू एस ए है वो उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादा समय यू एस ए में गुजारा है नौ साल के बाद वो यू एस ए में ही रही है बट शी अग्रीज़ डैट फ्रॉम ब्लर्ड श्री इज़ रशियन एंड अगर रशिया जो है उनको ओलंपिक खेलने के लिए बुलाएगा तो वो जरूर रशिया की साइड से ही ओलंपिक खेलेंगे यू कैन सी हियर दोमारिया शरपवावार स्पीक्स विद अमेरिकन एक्सिट्स ही प्राउडली पैरेज हर रशियन नेशनलिटी वो अपने रशियन होने की नेशनलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हैं एंड सबके डाउट्स क्लियर करते हुए ये भी कह देती है आई एम रशियन वो सबको बता दे जैसे वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन है क्योंकि वो अमेरिकन एक्सेंट में बोल रही है बट वो सबका डाउट्स क्लियर कर देती है शी टेल एवरी वन दैट आई एम रशियन इट्स ट्रू दैट यू एस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ए लाइफ वो कहती है यू एस ए मेरी लाइफ का बड़ा पार्ट है बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप मैं टोटली रशियन हूँ एंड मैं रशिया के लिए खेलूंगी भी अगर रशिया चाहेगा ओके तो आगे मूव करते हैं हम अपने चैप्टर में अब हमें बता रखा है आ, मारिया शेरपोवा की कुछ लाइफ के हॉबीज़ एंड उनके इंटरेस्ट के बारे में ठीक है तो लाइक ऑल द टीन जैसे टीन होते हैं ना सेंसेशंस तो उनका भी कुछ ऐसे ही शौक़ है उनको फैशन बहुत पसंद है उन्हें सिंगिंग पसंद है उन्हें डांसिंग पसंद है एंड इवन शी लव टू रीड नावल्स ऑफ अर्थर कॉन्वेंट रॉयल यानी कि वो इज द राइटर ऑफ शेरलॉक होम्स ना उनकी नॉवल पढ़ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड देर इज़ समथिंग ऑड अगेन यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में एक और चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग है वो क्या है देखो उनको ना पैनकेक ऑरेंज जूस और चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है बट अगर आप उनकी फिगर देखोगे तो शी शी इज़ इज़ वेरी लीन वेरी परफेक्ट फिगर और जो वो गाउन्स पहनती है इवनिंग शाइनिंग गाउन्स तो ऐसा लगता है कि वो इतनी सारी चॉकलेट्स पैनकेक्स एंड ऑरेंज जूस अगर खाती होंगी तो वो कैसे अपनी एक ऐसी फिगर मेंटेन करके रखती है तो वही चीज इसमें बता रखी है फॉर हर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स एट ऑड समझ गए इस लाइन को कि वैसे तो वो इतनी लीन इतनी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लगती हैं अपने गाउन गाउंस के अंदर इवनिंग गाउंस के अंदर बट शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ पैनकेक्स चॉकलेट एंड इवन फिजी ऑरेंज ड्रिंक लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर आगे हमें बता रखा है दट मारिया शरुपोवा कैन नॉट बी पिजन होल और कैटेगराइज तो यहाँ पे पिजन होल मतलब क्या है कि हम मारिया शरुपोवा को किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड गाइज एंड

मारिया शेरोपोवा भी यही कहती हैं दैट इन हर लाइफ जो सक्सेस के लिए जो उनकी डिजायर थी वो कैसे पूरी हुई जब उन्होंने सैक्रीफाइस करें समझ रहे हो हर रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव मेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो रेडिनेस्ट जो सेक्रीफाइस थी उनकी उन्होंने इतने सेक्रीफाइजेस करे अपनी लाइफ में और वही उन्हें लिफ्टअप करके जो है वर्ल्ड की नंबर वन पोजिशन पर लेकर आया फू वुड ग्राच हर रिचेस्ट शी इज नाउ रीपिंग ग्राच मतलब आप कह सकते हो कि कुछ लोग प्रजेंट करते हैं उनकी रिचेस को बिकॉज शी इज वेरी रिच ऑल्सो फाइनेंशली बहुत स्टेबल है वो बिकॉज यू नो टेनिस जो है एक गेम में बहुत ही ज्यादा पैसा भी होता है समझो टेनिस इज अ बिजनेस ऑल्सो टेनिस प्लेयर्स आर वेरी रिच ओके तो कई लोग जो है मेक बट वो ये कहती हैं मनी अगर उनसे पूछा जाए कि आप पैसे के बारे में क्या कहते हो जो इतना पैसा कमाया जाता है टेनिस के अंदर तो यह कहती है मोनिट्री गेम्स वो कहती है मनी इज अ मोटिवेशन अफकोर्स मनी इज अ मोटिवेशन टेनिस इज अजनेस एंड स्पोर्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड तो वो खुद एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है मनी एक मोटिवेशन है कि मैं और ज्यादा वर्क करूं और ज्यादा वर्क करूं बट जो मेरी डिज़ायर है टू बी द नंबर वन वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो समझ रहे हो मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है द डिज़ायर टू बी द नंबर वन एंड दैट्स ड्रीम दैट कैप मी गोइंग एंड उसी चीज ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का जो है एक रीज़न दिया है ठीक है तो यहां पर उन्होंने खुद एग्री करा दैट येस मनी एक मोटिवेशन मिलती है जब वो अच्छा पैसा कमाती है बट जो है एक रीजन एक सोल रीजन उनका हमेशा आगे वर्क करते रहने का हमेशा सेक्रीफाइस करते रहने का वो क्या है डिजायर टू बी नंबर वन ओके तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपको जो है काफी अच्छा लेसन भी मिला होगा इससे द सोल लेसन दट वी गेट फ्रॉम This chapter is that if you want to be number one, if you want to achieve anything in your life, if you want to be successful at any dream you are having, so you should be ready to make some sacrifices. Plus, your mental stability is very important. No, we should not listen to others.

यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई डीज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जहाँ पे मैंने क्लास नाइन्थ इंग्लिश के एन एस एस टी के नोट्स सम डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन मार क्वेश्चन बहुत सारा स्टडी मटीरियल अपलोड कराया तो इफ्यू नाइन्थ गो एन चेक आउट इंस्टाग्राम आई डी एंड आई मीच इन द नेक्स्ट वीक